आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस गांव खटखड़ कला में मनाया गया। इस मौके पर गांव में समारोह का भी आयोजन किया गया। समारोह में कई राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की। इस मौके पर पंजाब के सिंचाई एवं बिजली मंत्री राणा गुरजीत सिंह भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँचे। इस साथ ही राणा ने भगत सिंह के पारिवारिक सदस्यों को भी सम्मानित भी किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राणा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भगत सिंह की सोच पर काम किया है, जिसको देखते हुए लोगों ने कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में बहुमत दिया है। वहीं पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि भेंट की तथा देश के नौजवानों को भगत सिंह के दिखाए मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। इस मुल्क की आजादी लई एक बहुत बड़ा योगदान पाया और उन्हां दी सैकुलर सोच, कुरबानी का जज्बा, जेदे मैं समझदा कि जिहड़ी कल्पना उन्होंने एक आज़ाद हिंदुस्तान की कीती सी, समय समय ना वो सोच धुंधली पैंदी गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी आ पिछले 10 साल राज नहीं रही। और अगर पंजाब बारे सोचा जाए तो जिहड़ा नशियां दा दौर आ पिछले 10 साल अकाली दल बीजेपी दे राज होया, ए उन्हां दी सोच दे बिल्कुल विपरीत, गुंडागर्दी और अफसरशाही, ये सारियां गल्लां उन्होंने नहीं सोचिया सी, कल्पना नहीं की सी कि इहो जिहा साडा पंजाब ते हिंदुस्तान होएगा। कि शहीद आजम भगत सिंह उन्हां दी सोच ते पहरा दिता जाए।